हाउ टू क्रिएट वीडियोस लाइक आरके गुरु। तो अगर आपको हिस्ट्री वीडियोस अच्छी लगती हैं और वो भी एनिमेटेड वीडियोस, तो आरके गुरु आज की डेट में इंडिया का बेस्ट चैनल है भाई। बहुत ही सही वीडियोस बनाता है और उसकी हर एक वीडियो पे व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं। तो हम आ गए हैं आरके गुरु के चैनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हो 217 वीडियोस में 1.93 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसने कर लिया है, यानी चैनल काफी तगड़ी तरह से चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग वीडियोस में, तो इनकी लॉन्ग वीडियोस पे आप देखोगे जो 12 दिन पहले वीडियो आई है उस पे 1,13,000, दिन उसके बाद एक महीने पहले 4,80,000, 1.4 मिलियन, 2.7 मिलियन। लॉन्ग वीडियो पे इतने व्यूज आ रहे हैं जितने लोगों के शॉर्ट वीडियोस पे नहीं आते, मतलब वीडियो काफी पसंद आ रही है जो भी ऑडियंस है इनकी भाई। और ऑडियंस आप देख ही सकते हो 1.93 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए सिर्फ 200 वीडियो में। अब आते हैं शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स पे देखो तो क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस शॉर्ट्स से ही आई है, बाद में इन्होंने लॉन्ग वीडियो पे डाइवर्ट कर दिया अपना। तो शॉर्ट्स पे देखोगे तो 20,000, 24,000, 60,000 ये लेटेस्ट वीडियो है। इसके बाद आप आ जाओ पीछे, 14 मिलियन व्यूज इस एक शॉर्ट पे, सोचो इससे कितने सब्सक्राइबर्स आए होंगे। और इसके अलावा नीचे ले जाओ 7.5 लाख, 5.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2.7 मिलियन, लगातार बहुत जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। और कोई एक इनका वीडियो ओपन करके देख लें तो और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो हम एक ये रैंडम शॉट ओपन कर लेते हैं। आखिर क्यों लेना पड़ा स्वयं महादेव को 21वां अवतार, सिंध का सम्राट हमीर सुम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार एक से एक टॉप नॉच इमेजेस हैं, कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस में है, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई अपने महल में चल रहा है। तो इसी तरह की इमेजेस बहुत सारे जनरेट करके फिर उनका वीडियो में कन्वर्ट करके फिर एक बढ़िया सी स्टोरी है वॉइस ओवर लगा के कंपाइल करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार मेहनत बहुत लगेगी या फिर इसमें बहुत सारा टेक्निकल एडिटिंग है, मेहनत और आसानी से बन नहीं पाएगी, बहुत टाइम बहुत जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, ये वीडियोस बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो चलो आपको आरके गुरु जैसी वीडियोस बनाने का पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट टू एंड देखना, वरना कोई ना कोई स्टेप मिस जरूर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो आरके गुरु जैसी वीडियोस बनाने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छी स्टोरी, उसके बाद उसका वॉइस ओवर, फिर इमेजेस जनरेट करना, उसके बाद उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट करना, क्योंकि हम एक इमेज जनरेट करेंगे और उसको कैरेक्टर बना के हम पूरी स्टोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कंसिस्टेंट इमेजेस कैसे जनरेट की जाती हैं। उसके लिए आ जाते हैं अपन चैट जीपीटी पे, और यहां पे हम किसी हिस्टोरिकल इंडियन राजा की इमेज जनरेट करेंगे अपनी स्टोरी के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाते हैं, महाराणा प्रताप, बहुत महान राजा हमारे देश के रहे हैं, तो उनकी हम इमेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे यहां से। तो इमेज प्रॉम्प्ट लेने से पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई चैट जीपीटी को पता भी है कि महाराणा प्रताप कौन थे, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, हु इज महाराणा प्रताप। तो हाँ भाई, चैट जीपीटी को पता तो है महाराणा प्रताप के बारे में। तो अब इसे देते हैं प्रॉम्प्ट कि भाई हमें महाराणा प्रताप की एक इमेज जनरेट करनी है, उसके लिए हमें कोई सही सा प्रॉम्प्ट दे दे। आई वॉन्ट टू जनरेट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ महाराणा प्रताप, काइंडली प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट फॉर द सेम। सिंपल, आई वॉन्ट टू जनरेट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ महाराणा प्रताप, सो काइंडली प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट फॉर द सेम। अब करते हैं जनरेट, और अब चैट जीपीटी ने हमें पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है महाराणा प्रताप के फिजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ, कि कैसे दिखते थे, किस तरह के उन्होंने उनके अटायर रहा होगा, किस तरह का मुकुट रहा होगा, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली उन्होंने डिटेल में दे दिया है चैट जीपीटी ने। तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को हम कर लेते हैं यहां से कॉपी, और अब आ जाते हैं अपने उस टूल पे जहां से हम इमेजेस जनरेट करेंगे, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। वेबसाइट का नाम है designer.microsoft.com, इसे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल से लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद ये होम पेज ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको चले जाना है क्रिएट पे और उसके बाद इमेजेस। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, राइट साइड में आपको अपनी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है। तो पहले एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेते हैं, स्क्वायर चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या फिर वाइड चाहिए, यानी जो फुल स्क्रीन वीडियो होती है, तो हम फुल स्क्रीन जो है वाइड इमेज है वो जनरेट करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ सीधे सीधे कर देते हैं पेस्ट, और अब करते हैं जनरेट। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ने हमें 3-4 इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं, काफ़ी सही सही लग रही हैं, लेकिन ये वाली इमेज मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रही है,
क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग है, चेहरा भी इसमें अच्छे से दिख रहा है और प्रॉपर वॉरियर का एक पूरा सूट है इनके पास, पीछे भाला वाला है, तो प्रॉपर महाराणा प्रताप वाला एग्जैक्ट जैसा उनका होना चाहिए कैरेक्टर बिल्कुल निकाल के दे दिया। तो अब पहले तो इस इमेज को कर लेते हैं डाउनलोड। अब हमारे पास महाराणा प्रताप की एक इमेज आ गई है जो है हमारी प्राइमरी इमेज, और इसी इमेज को रेफरेंस में रख के अब हम अपनी बाकी सारी इमेजेस जनरेट करेंगे जिन्हें हम बाद में वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो ये है हमारी मेन जो इमेज है। अब इसको रेफरेंस में लेके जो हम जिस साइट पे हम बाकी सारी इमेजेस जनरेट करेंगे उसका नाम है आर्ट ब्रीडर। वेबसाइट का नाम है artbreeder.com, आप डायरेक्टली भी इसे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे एक बार आपको अपनी ईमेल से लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको कंपोजर कोलाज बना सकते हो, देन उसके बाद पोजर प्रॉम्प्टर डायरेक्टर, लेकिन आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है कंपोजर। अब ये है वो फाइनल पेज जहां पे हमारी स्टोरी के लिए सारी इमेजेस जनरेट होंगी। तो सबसे पहले तो हमने जो मेन इमेज जनरेट किया महाराणा प्रताप की, उसे यहाँ पे जो प्लस का निशान है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है फेस पे और उस इमेज को यहाँ अपलोड पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे हमारी मेन इमेज अपलोड हो चुकी है और लेफ्ट साइड में जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे यही जो प्रॉम्प्ट है हमारा चैट जीपीटी वाला जो हमने इमेज जनरेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट लिया था उसको वापस से यहाँ से कर लो कॉपी और दोबारा से आके डिस्क्राइब योर इमेज में आके कर दो इसे पेस्ट और अब होती है नई इमेज जनरेट। तो यहाँ पे हमारी पहली इमेज जनरेट हो चुकी है जो कि काफी सही लग रही है देखने में। इसको अगर क्लिक करके आप देखो जूम करके तो काफी सही इमेज जनरेट हुई है। अब आपको चाहिए कि इसी इमेज को लेके, इसी कैरेक्टर को लेके और सारी वैरायटीज चाहिए कि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मूवमेंट करते हुए कैरेक्टर चाहिए, तो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेरी का, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको खुद से ही जनरेट करेगा अलग अलग पोजीशंस की, सेम कैरेक्टर की अलग अलग पोजीशंस की वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजअप है, यहाँ पे एक चलता हुआ आ रहा है कहीं से। अगर आपको लगता है कि और वेरिएशन देखने हैं तो नीचे है जनरेट मोर का, दोबारा से इस पर क्लिक करो और वापस से जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चार इमेजेस बिल्कुल अलग हैं। ये पहली इमेज है जो एक घोड़े के साथ है, दूसरी है सिंगल, तीसरी है किसी बैटल फील्ड की और चौथी भी किसी और जगह की है। तो ऐसे ही आप जितनी बार जनरेट मोर करोगे उतनी बार सेम कैरेक्टर की अलग अलग टाइप की इमेजेस जनरेट होती रहेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग तरह के हथियार के साथ है, ये अलग कॉस्ट्यूम में है। तो ये तो हो गई खुद से ही ये AI आपके लिए अलग अलग इमेजेस जनरेट कर रहा है सिर्फ वेरी पे क्लिक करके। लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक इमेजेस चाहिए होंगी कि यार हमें चाहिए हॉर्स राइडिंग करते हुए यानी घोड़े पे चलते हुए, तो ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख भी सकते हो आपको किस तरह की इमेजेस चाहिए, तो ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट उसी हिसाब से इमेज जनरेट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ लास्ट में कुछ चेंज कर देता हूँ, ही होल्ड्स अ लॉन्ग स्पीयर इन वन हैंड एंड, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ एंड राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग वाली इमेज आ गई है। ऐसे करके आप जितनी बार चाहो उतने बार प्रॉम्प्ट देके इमेजेस चेंज कर सकते हो। एक बार और वेरी करके देखते हैं, शायद कुछ और अच्छी इमेजेस मिल जाएं। तो यहाँ पे इसने चार और इमेजेस दे दी हैं हॉर्स राइडिंग की, और ऐसे करके आप जितनी बार प्रॉम्प्ट दोगे उतनी बार अलग इमेजेस जनरेट होंगी और नीचे जब आप वेरी पे क्लिक करोगे तो अलग अलग उसके वेरिएशंस मिल जाएंगे। यहाँ जैसे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के इसने चार वेरिएशंस दे दिए हैं, तो यहाँ ऐसे आप जितनी चाहे यहाँ इमेजेस जनरेट कर सकते हो। और तो इमेजेस जनरेट हो जाए तो यहीं पे नीचे ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पे क्लिक करो और ये सीधे सीधे आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ हमारी इमेजेस तो जनरेट हो चुकी हैं। अब इसको पूरी स्टोरी बनाने के लिए दो तीन चीजें और चाहिए होती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक स्टोरी चाहिए, एक वॉइस ओवर चाहिए। तो स्टोरी आप लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से या कहीं से ले भी सकते हो, गूगल सर्च करके महाराणा प्रताप की कोई भी स्टोरी या जो भी आप बनाना चाहते हो। और उसके बाद वॉइस ओवर के लिए 11 Labs से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 11 Labs में जाके बहुत सारी वॉइसेज हैं, एडम की बहुत ज्यादा चलती है, वो वॉइस वहां से वॉइस ओवर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो इमेजेस हैं। आप चाहो तो सिर्फ इमेजेस को लेके भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी और बेहतर वीडियो बनाना चाहते हो तो इन इमेजेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वीडियो में। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली, जिसको आप इसके बाद क्लिक करके आप देख सकते हो। और बस आपकी जब सारी वीडियोज सारी इमेजेस एनिमेट हो जाए, वॉइस ओवर आपके पास रेडी हो जाए, तो बस एडिट करके जाके अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके कंपाइल कर दो और यू आर गुड टू गो।
लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में करके दिखाऊं, कि स्क्रिप्ट भी लिखवाऊं, उसके बाद उसे वॉइस ओवर भी जनरेट करूं, देन इमेजेस जनरेट करके उसके बाद उसका एनिमेशन करके पूरा कंपाइल करके वीडियो पूरा एक्सपोर्ट करूं, तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो इसी पे आ जाएगी। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।